मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 9/8/2022 की साकार मुरली बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। इसलिए बहुत बहुत स्वीट यानी मीठे बनो। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? उत्तर, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतीत को कहा जाता है। सब विषय बेतरनी नदी में गोता खाते रहते हैं। इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। प्रेषण, मनुष्यों के एक ही प्रेषण में दो भूले हैं। वह कौन सा प्रेषण और कौन सी भूले? उत्तर, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल मन शांत कैसे हो सकता जब तक वह शरीर से अलग ना हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम ले जाने के लिए। बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है? यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं कि अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप है इस समय वह बहुत कड़वे पतीत छी छी है। यह तो है सभी का बेहद का बाप। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नरक जिसमें विषय वे तरनी नदी बहती है। बाप समझाते हैं यह सारी दुनिया ही विषय वे तरनी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग आता है घर वार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नरक में रहना गोता खाना है, ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर वार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं यह विषय वितरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहां से तुमको
क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं क्योंकि इस दुनिया में शांति है नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो नहीं सकता। जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो, एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर यह प्रश्न क्यों, ईश्वर को शांति क्यों चाहिए। बाप समझाते हैं, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले तो बताओ हम कौन। आत्मा अपने सब धर्म और निवास स्थान को भूल गई है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो, तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, भगत है अनेक, भगत तो भगत हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे। भगत तो साधना प्रार्थना करते हैं हे भगवान, परंतु भगवान को भी जानते नहीं हैं, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए, फिर रावण राज्य में आए हैं। तुम ऑल राउंड पाठ बजाने वाले हो, पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहां ही रहते हैं, बाप की फिर महिमा है। पतित पावन ज्ञान का सागर है, पावन बनाते हैं ज्ञान से, ज्ञान का वह सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियाँ निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सदगति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो, पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन है, हम पतित हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता, यह तो विषय वितरणी नदी है, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहाँ तुम राज्य करते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो, कर्म तो करना पड़ता है। पुरुषों को धंधा धोरी, माताओं को घर संभालना पड़ता है, तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो। सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री हैं। यूं तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा बल आराम करो, सवेरे उठकर याद करो हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है, अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से बरसा पाते हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्रात नहीं। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता है। यहाँ मनुष्यों को कमाई का कितनी फिक्रात रहती है, बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, हम आत्माएं
परम धाम के निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से बरसा लेते हैं। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नरक दुख धाम है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है, एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नरक को जीवन बंद कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ है। असुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं, विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वितरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं, तो भोले हुए ना। यह पारलौकिक बाप भी भोला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं, यह शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है, अपना परम धाम छोड़कर आए हैं। देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है, मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मुझे जानते नहीं। मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है, जो गोरा था वो ही सांवरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है, यह ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते हैं, बहुत मूंझते हैं, पता नहीं यह किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो यह है नहीं, यह भूल गए हैं। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था, जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, देलवाड़ा मंदिर भी है, दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना। ब्रह्मा भी है फिर जगत अम्बा, तुम कुमारियां भी हो, महारथी भी हो, हुआ हो तुम प्रैक्टिकल में हो। अब तुम्हारा जड़ यादगार कायम है, यह जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे फिर तुम सतयुग में होंगे, वहाँ यह यादगार आदि होते नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था, फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यह यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पति से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं, बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह आदत डालनी है सवेरे उठ याद करने की, फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो वरदान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता, मूंझने की बात ही नहीं, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए, इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती। बुद्धि समझती है, एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है, बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतीत के भोजन की दिक्कत पड़ती है।
बाप समझाते हैं, पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के, बाप की याद में रहना पड़े, जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहे, बुद्धि से काम लेना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों को भी यह बातें सुनानी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद आनर की बनी हुई है, अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतो होना है। बाबा ने समझाया है याद से ही विक्रम विनाश होंगे, इसमें ही मेहनत है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापिस जाना है, यह पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी, बहुत सहज है। अभी तुम मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे, एक दिन टेलीविजन पर भी यह ज्ञान सुनेंगे, बस देखेंगे जरूर सब कुछ होगा। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा, हिम्मते बच्चे मदते बाप, यह भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा, वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है, मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो, यह समय सोने का नहीं है, वास्तव में यह अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको भविष्यत की बादशाही मिलती है। भविष्यत को फूलों का बगीचा कहा जाता है, वह तो ऐसे ही गाते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। यह सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है, सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है, प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय
और शक्ति को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ओम शांति।